सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ बहुत सादगी है, जो मेरी ज़िंदगी की पहली पसंद है, प्रायोरिटी है मेरी ज़िंदगी की। मैं आप लोगों को जितना गुड़ी नहीं हूँ कि मुझे देश से बाहर आने का मौका मिला काम करने के लिए, मैं देश में ही एडजस्ट हो गया, मैं बम्बई में ही खप गया। देश से बाहर आने के लिए बहुत योग्यता चाहिए होती है। थोड़ा सा मैं मेरे मन में जो चल रहा है मैं वो बोलता हूँ कि यात्राएं जैसे जीवन की यात्रा होती है, वैसे ही बहुत सरल प्रकार की यात्रा है, लौकिक यात्रा है। तो मैं पढ़ता था कि यहाँ से कुछ दूर पे ही शिकागो है, जहाँ पर विवेकानंद जी ने यात्रा की थी, इसी गूंज आज भी पूरे संसार के ऊपर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक दिन पढ़ रहा था कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सबसे अच्छे स्टूडेंट्स की जब लिस्ट मिली तो नंबर एक पर डॉक्टर अंबेडकर का नाम था। महात्मा गांधी, उन्होंने भी यात्रा की थी दक्षिण अफ्रीका की। तो इस तरीके से हमारे सुभाष चंद्र बोस जर्मनी जापान यात्रा की थी उन्होंने। यात्रा के अंदर बहुत कुछ है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता, वो सब आपको पता है और मैं बहुत छोटा हूँ इन यात्राओं का विश्लेषण करने के लिए। तो आप लोगों ने भी एक यात्रा की है अपनी ज़मीन, अपने देश से दूर इस प्रदेश में। हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे पर बहुत छोटी जिम्मेदारी है, हम अपनी कला संस्कृति अपनी भाषा सिर्फ उससे हमें काम चल जाता है, आपके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है दुनिया के साथ कदम ताल करते हुए आगे बढ़ना और साथ साथ अपनी मातृभूमि अपनी संस्कृति अपनी भाषा की को यहाँ पर पुष्पित पल्लवित करना। तो आप लोग हमसे ज़्यादा जिम्मेदारी निभा रहे हैं, क्योंकि मुझे कई बार आने का मौका मिला है, अमेरिका और कनाडा में मेरी पहली यात्रा है। तो मैंने जब पहली बार आया था 2011 में एक फंक्शन में, तो मैंने कहा था वहाँ पर, जिसको मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ, कि मेरा भ्रम टूटा है कि लोग सिर्फ डॉलर्स कमाने के लिए बाहर आते हैं, ऐसा नहीं है। वो लोग डॉलर कार्ड अगर कमाते भी हैं तो उसको खर्च भी करते हैं और अपने देश अपनी संस्कृति के लिए खर्च करते हैं। तो थोड़ा सा सांझ की जो बात चली है, चूँकि आज एक उत्सव है संदीप की कविताओं का के विमोचन का, तो आज से लगभग 1.5-2 वर्ष पहले मेरे एक मित्र हैं कनाडा में पहले सज्जन पंकज त्यागी जी, उनसे मेरा परिचय हुआ और उन्होंने मुझे संदीप से परिचित कराया। बोला, अरे आपका नाम राशि है, मैं मिलवाता हूँ, और वो भी कविता लिखता है कुछ। तो फिर संदीप से मेरी बातचीत शुरू हुई, हर तीसरे चौथे दिन बातचीत होती रहती थी और बातचीत कहीं से भी शुरू हो घूम फिर के कविता भी आ जाती थी, क्या नया लिखा और क्या पुराना लिखा, कुछ याद आया, भाई साहब आपके कौन से गाने आ रहे हैं वगैरह वगैरह। मैं खुद भी कविताएं लिखता हूं और चूँकि अब मैं बॉलीवुड में आ गया हूं, मेरा कर्म क्षेत्र वहाँ आ गया, तो ज़्यादा सिनेमा के गानों के ऊपर बातचीत होती है, लेकिन मेरा जो मूल वो पसंद है वो कविता ही है। तो चूँकि मुंबई में काम का इतना दबाव रहता है कि कविता के लिए जिस तरह की माहौल की ज़रूरत होती है वो कई बार मिल नहीं पाता है। तो जब यहाँ ये बातचीत हुई तो मैंने कहा, यार मैं कनाडा वैसे तो घूमने नहीं आऊँगा, कोई फिल्मी फंक्शन में तो मैं बहुत जाता रहता हूँ, बात तब है जब मैं किसी कविता, तुम इतनी लिख रहे हो यार, किताब कब आएगी तुम्हारी, ऐसा टाइम नहीं मिलता, मैं कहीं टाइम निकालो इसके लिए। तो ये कविताएं बाहर आनी चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि ये कविताएं उस दौर में लिखी गई हैं जब संदीप कनाडा में आ चुके थे। तो भारत से दूर रहकर इन कविताओं का जो भाव संप्रेषण है, जो इसकी परिधि है, उसमें बहुत अपनी मिट्टी की सुगंध है और बहुत गुणी लोगों ने उस किताब में उसकी समीक्षाएँ, उसकी गुण दोष, जो भी उसकी खासियत है, सबके बारे में लिखा है। तो बातें आपसे भी आगे और होंगी, फ्यू है तो मैं किश्तों में कर लेता हूँ बातें। तो अभी मैं आदरणीय अखिलेश जी को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कृपया मंच पर आएँ और किताब के विमोचन के काम को आगे बढ़ाया जाए। अखिलेश जी,